हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरीज होम कॉर्नर। सो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इजी डीआईवाई शेयर करने वाले हैं जो दिवाली फेस्टिवल में आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए, घर में बहुत सारे ग्लास जार, बॉटल और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसका यूज़ लगता है कि हम कहाँ पे करें। सो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए बताते हैं कि इनका हमने किस तरह से डीआईवाई किया। अब देखिए, ये जो बॉक्स है इसमें मेरे बेटे का टैब आया था जिसके हमने ऊपर वाले पार्ट को लिया है और ब्लैक एक्रेलिक पेंट से हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद हमने लिया है एक्रेलिक स्टिकर जिसका हम रीयूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे स्टिकर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है लाइक दिस। अब हम यहाँ बॉक्स के आउटर साइड लगा रहे हैं ग्लू और ये सारे पीसेस को इस तरह से करते हुए लगाते जाएंगे। बॉक्स के आउटर एंड इनर साइड हमने स्टिकर्स को लगा दिया है। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। और इस तरह से हमने फ्लावर्स बना लिया है। अब हम इसके मिडिल पोर्शन में येलो से डॉट लगा देंगे। चलिए, ये प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने कहाँ पे यूज़ किया है इसे हम आगे की वीडियो में आप लोगों से बताएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को हम जब बनाने बैठते हैं तो बीच बीच में थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देते हैं। सो यहाँ पे हम आ गए हैं अपना फेस वॉश करने। ये है नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल जिसको हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। सो हमारा खत्म हो चुका था और आज हमने दूसरा मंगाया तो सोचा आप सभी लोगों से इसका रिव्यू शेयर करते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल और इफेक्टिव ऑयल है जिसे आप 40 डेज में अपनी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, पोर्स एंड मार्क्स से फ्री हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था लेकिन जब मैंने ट्राई किया और रिजल्ट देखा तो यकीन हुआ। देखिए, ये जो ऑयल है इसे मेंस एंड वोमेंस दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर एज 20 ईयर्स के अबव होना चाहिए। अच्छा, आप सब ने भी अपनी नानी दादी से सुना ही होगा कि पुराने टाइम में वो लोग कोई भी प्योर नेचुरल ऑयल ही यूज करते थे जिससे उनकी स्किन हाइड्रेट एंड स्मूथ रहती थी एंड कोई मार्क्स, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम सब अपने फेस पर क्रीम या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसकी वजह से काफी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइक एक्ने मार्क्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स एक्सेट्रा, जिसका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे भी बहुत पड़ता है। सो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस ऑयल को आप डेली रूटीन में यूज करें। इसको किस तरह से यूज करना है, 2-3 ड्रॉप अपने पाम में लिया, देन ऑयल को एक्टिवेट करने के बाद डैब डैब करते हुए स्किन में लगाया। बहुत ज्यादा आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा ऑयल लगाएंगे मार्क्स जल्दी से हट जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट लिटिल बिट आपको लेना है, 2-3 ड्रॉप। देन लेने के बाद इस तरह से आपको मसाज देना है। अगर आप मसाज नहीं कर सकते तो सिंपल आपको अपने फेस में अप्लाई करना है बिफोर मेकअप। देन ऑयल लगाने के बाद आप आराम से मेकअप कर सकते हैं। ये एज अ सनस्क्रीन भी काम करता है क्योंकि इस ऑयल में मोरिंगा ओलिफेरा इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है जो नेचुरल हर्ब होता है जिसका आयुर्वेद में बहुत ही यूज किया जाता है। सो 100% ये प्योर नेचुरल ऑयल है। इसकी जो बॉटल है क्यूट है, ट्रेवल फ्रेंडली है, इसे कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं। एवरीडे इस ऑयल को यूज करने से जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जिसकी स्किन ज्यादा ड्राई है उसे हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि इसको जरूर यूज करें, और जिसकी ऑयली है इसका यूज स्पेशली रात में करें, थोड़ा सा लेने के बाद फेस पे मसाज दें, दैट्स इट। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वैसे तो ये अमेजोन पे भी आपको इजिली मिल जाएगा। एंड चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ये हमने लिया है सॉस की बॉटल जो खाली हो गई थी तो हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने लिया है ये ब्लैक ग्लास आउटलाइनर जिसमें हम ड्राई ब्रांचेस को ड्रॉ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डिजाइन आप भी ड्रॉ करें, ये आपकी चॉइस है, जो भी मन में आइडिया पिक्चर आ रहा हो इस तरह से इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, हमने इस पे ब्रांच को क्रिएट कर दिया है। अब इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे हमने लिया है फेरी लाइट और इसमें इंसर्ट करके इस तरह से रख दिया है। नाउ लास्ट डीआईवाई के लिए हमने लिया है ये ग्लास जार जिसके कैप को हमने यहाँ पे हटा दिया है। कुछ कलरफुल पेबल्स हमारे पास रखे हुए थे जो कि है ग्लास के, तो इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे ये व्हाइट पल्स, ये हमने लिया है गोल्डन ग्लिटर, तो इसे भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे वाटर।
अब हमने यहाँ पे लिया है कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली बॉटल, जिसके नीचे वाले पार्ट को कट कर लिया है इस तरह से, और ये लिया है हमने टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की जगह आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसे ट्विस्ट कर लिया है, देन बॉटल के नीचे वाले पार्ट के मिडिल में सोल्डिंग आयरन की हेल्प से होल्ड कर लिया है। देन हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर दिया है। एक्स्ट्रा बचे पार्ट को कट करके हटाने के बाद हमने जार में डाला है फूड ऑयल। अब इसके ऊपर से इसको हम धीरे से रख देंगे और जला देंगे। चलिए फाइनली दिखाते हैं अपने तीनों डेकोरेटिव आइटम्स को जो हमने स्पेशली दिवाली के लिए बनाया है। एक तो ये बनाया है ब्यूटीफुल सी ट्रे, जिसके ऊपर आप स्वीट्स रख सकते हैं। स्वीट्स नहीं रखना है तो कोई भी डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रख रहे हैं ये बॉटल आर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली फेस्टिवल लाइट्स का होता है, तो इसलिए हमने इसमें फेरी लाइट को ऐड किया है। इसके साथ साथ ये बनाया है हमने कैंडल, जिसे आप निक नैक चीज़ों से बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ छोटू सा रख दिया वास। अब हम यहाँ पे फेरी लाइट को ऑन कर देते हैं और कैंडल को जला देते हैं, और देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है हमारा आज का ये DIY। होप सो आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।